यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी और सपा दोनों ओर से मंथन जारी है। जहां एक ओर सीएम योगी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के साथ बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं, एसएचएल 30 को जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई और बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। उधर सीएम की बैठक के बाद जो प्लानिंग हुई है उसमें 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, 13 कैबिनेट 17 राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। इस उपचुनाव में एसपी के गढ़ में जीत के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। कुंदरकी और मिल्कीपुर सीट के लिए 4-4 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। वहीं कटेहरी करहल में 3-3 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल अभी उपचुनाव में वक्त है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन किसको मात देता है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन के बाद से ही बीजेपी में मंथन और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों को तैनात किया था। इन प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाली सीटों के दौरे किए और स्थानीय समीकरणों को समझा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी पहली बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में जब तक चुनाव खत्म न हो जाए 2 दिन और रात रुकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ बात करने के भी निर्देश हैं। साथ ही सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटें हैं। इन सभी 10 सीटों का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, चुनावी व्यूह तैयार कर रही है। उसकी कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक बैठक हुई। ये वो मंत्री हैं जिनको सीट वाइज प्रभारी बनाया गया है। उन विधानसभा की सीटों का उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ उनके प्रभार वाली विधानसभा सीटों के बारे में एक एक कर स्थानीय समीकरणों की जानकारी ली। साथ ही इस दौरे से निकले फीडबैक पर भी चर्चा की। इसके बाद विजय संकल्प के साथ मंत्रियों और नेताओं की जिम्मेदारी भी तय की गई। उपचुनाव के घमासान के लिए स्पेशल 30 ने कमान भी संभाल ली है, जिसमें मीरापुर सीट के लिए प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी अनिल कुमार को और प्रभारी के तौर पर सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक का नाम तय किया गया है। इसी तरह विधानसभा सीट कुंदरकी के लिए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी तय है। वहीं गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रभारी मंत्री सुनील शर्मा और प्रभारी ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल, जबकि खैर विधानसभा सीट के लिए प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और प्रभारी के तौर पर संदीप सिंह को कमान सौंपी गई है। करहल सीट के लिए प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और योगेंद्र उपाध्याय के साथ प्रभारी अजीत पाल सिंह का नाम चुना गया है। सीसामऊ सीट के लिए प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के साथ प्रभारी नितिन अग्रवाल और फूलपुर में प्रभारी मंत्री राकेश सचान के साथ प्रभारी दयाशंकर सिंह को जिम्मेदारी मिली है। वहीं मिल्कीपुर में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ प्रभारी मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा और कटेहरी सीट पर प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद के साथ प्रभारी दयाशंकर मिश्र और मंझवा सीट पर प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल के साथ प्रभारी रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए उस पर भी चर्चा हुई, बाकी अपने अपने मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। बैठक तो होती है, अभिभावक हैं योगी जी, हमारे जो है मार्गदर्शक हैं, निश्चित रूप से अभिभावक और मार्गदर्शक से दिशा निर्देश लेना पड़ता है। आगे चुनाव है, उपचुनाव, उसके लिए हम लोगों को आगे रणनीति बनाना, किस तरीके से हम लोगों ने जैसे आजमगढ़ जीता था और रामपुर जीता था उपचुनाव, उसी तरीके से आगे 10 चुनाव जीता जा, प्रमुख रूप से था। प्लस कभी मान लीजिए बैठक होगी तो निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे और समस्याएं जो होती हैं इस पर चर्चा होती है, ये सारी चर्चा हुई, बस और कुछ नहीं था। उनका मार्गदर्शक दिशा निर्देश मिल गया,
बस हो गया काम पूरा कवर अप करके। अगर कोई प्रसन्न नहीं है, कहीं कुछ कमी बेसी है, तो ये संगठन बहुत चिंतन वाला संगठन है, तो यहाँ चिंता करना नहीं, इसको सब कुछ बढ़िया होगा और हम लोग 27 का चुनाव जीत के हर हर महादेव फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बनेगी और ये उपचुनाव भी हम लोग सारी जीतेंगे। और आज मैं आपको इस मेरे जन्मदिन पे कह रहा हूँ कि 2029 में जब ये चुनाव होगा हमारा लोकसभा का, तो ये जो सीटें हम हारे हैं फैजाबाद जिसको लोग अयोध्या कहते हैं, हम लोग ऐसी सारी सीटों को दोबारा जीतेंगे। वहीं 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एसपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से भी बेहतर रिजल्ट होगा। पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप बोलिए तो कांग्रेस को सभी सीटें दे दें। वहीं राम गोपाल यादव ने कहा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन से चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी अधिकारियों के दम पर चुनाव लड़ती है। अभी जैसा परिणाम आया उससे बेहतर परिणाम आएगा। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। ये सरकार कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई कह रहा है कि इतने गांव हैं बाढ़ की चपेट में, 1400 गांव। कोई अखबार लिख रहा है 900 गांव हैं बाढ़ की चपेट में। सच्चाई कम से कम ये सरकार बताए कि आखिरकार कितने गांव हैं चपेट में, क्या उनकी मदद हो रही है। कल सरकार कह देगी कि बाढ़ आई नहीं क्योंकि बाढ़ का पानी निकल जाएगा। जब जरूरत थी तो सरकार कहाँ थी? आप कहो तो सब दे दें क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ? अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे। जाइए, लोकसभा में 80-80 जीतने का दावा कर रहे थे, ऐसे ही उनका दावा ये है। हमारी तैयारी है ही, हम कोई सत्ता के पक्ष से, सत्ता के समर्थन से, अधिकारियों और उसके समर्थन से चुनाव लड़ते रहे। हम तो कार्यकर्ता के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं, तो हम कार्यकर्ता हमारे हमेशा तैयार है। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही पार्टी इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की पकड़ अभी भी यूपी के मतदाताओं पर मजबूत है। इन चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल ये मंत्री अपनी अपनी प्रभार वाली सीटों के दौरे कर चुके हैं और दौरे करने के बाद ये पहली बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। इस बैठक में सीट वाइज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर सीट के सियासी समीकरणों को मंत्रियों से समझा है और जल्द ही इस बैठक में यह निर्णय हुआ कि इन सभी उपचुनाव की सीटों पर अब चुनावी व्यू तैयार करके ताबड़तोड़ दौरे बड़े नेताओं के कराए जाएंगे। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।